हेलो बच्चों, आज हम हमारा मैथ्स का न्यू चैप्टर द लॉन्गेस्ट टेप को जानेंगे। इस चैप्टर को जानने के लिए हम वर्कबुक में से थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चों, आप भी मेरे साथ वर्कबुक को ओपन करके रखो। देखो बच्चों, ये क्या है? ये फिंगर्स है। इसे हम फिंगर्स रखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें उसकी लेंथ ढूंढनी है तो हमें इसे फिंगर की हेल्प से भी हम उसकी लेंथ को ढूंढ सकते हैं। फिर ये क्या है? इसको हम स्पैन बोलेंगे। इसे जो हम इसे इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं तो ऐसे हम हमारे हाथों से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? हैंड स्पैन बोलेंगे इसको। ये क्या है? ये हमारा पूरा आर्म है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए ऐसे हमारे आर्म का भी यूज कर सकते हैं। ये फुट है, यानी कि हमारा जो ये पैर का निचला वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? फुट, जहाँ पे हम चप्पल की स्लीपर पहनते हैं उसको हम फुट बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम जो ऑब्जेक्ट की लेंथ ढूंढते हैं उसको हम फुट की मदद से भी माप सकते हैं। ये है स्टेप। तो देखो बच्चों, हम जब चलते हैं, पहले हम ये पैर रखते हैं, बाद में ये पैर रखते हैं, तो हम जो बारी बारी पैर रखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेप बोलेंगे। यानी कि आप पहले ये पैर रखोगे और बाद में वो दूसरा पैर रखोगे, फिर वापस चलोगे, तो हम जो चलते हैं और वो जो स्टेप हमारे पड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेप बोलेंगे। बच्चों, ये एक स्केल है। द बिगर यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर एंड द स्मॉलर यूनिट इज सेंटीमीटर। जो लेंथ का यूनिट सबसे बड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे? किलोमीटर। और सबसे छोटा यूनिट है उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि एक मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। एक किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, यानी कि एक किलोमीटर के सामने 1000 मीटर होता है। इन शॉर्ट, फ्रॉम सेंटीमीटर इज रिटन एज सी एम, और मीटर इज रिटन एज एम, एंड किलोमीटर इज रिटन एज के एम। यानी कि ये जो सेंटीमीटर है उसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे सी एम। फिर मीटर है तो उसको हम छोटे साइज में कैसे लिख सकते हैं? तो के एम। और किलोमीटर को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? किलोमीटर। तो बच्चों, हम हमारा आगे का यूनिट है वो हम हमारा टेक्स्ट बुक में जानेंगे। चैप्टर नंबर 13, द लॉन्गेस्ट टेप, यानी कि लॉन्गेस्ट यानी कि लॉन्ग यानी कि लंबा, और लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा। Three friends, a rabbit, an elephant, and a deer were playing together in a park. यानी कि तीन friends थे। कौन कौन थे? Rabbit, हाथी और deer। और वो तीनों park के अंदर खेल रहे थे। Let us see who crosses the stone bridge first. हमें नीचे एक स्टोन ब्रिज दिया है तो हमें उसमें देखना है कि सबसे पहले वो ब्रिज को कौन पार कर सकता है। तो ये एलिफेंट ने बोला, बट बोथ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली। तो हाथी ने क्या बोला कि तुम दोनों तो मुझसे फास्ट दौड़ सकते हो और मैं तो धीरे धीरे ही चल सकता हूँ। आई नो दैट One of you would cross the bridge first. मुझे पता है कि आप दोनों में से कोई एक मेरे पहले ब्रिज को क्रॉस कर लेगा। I don't want to play the game. मुझे तो ये गेम खेलनी नहीं है। Don't worry. Let's make a rule. We will not run. We will walk. रैबिट ने क्या बोला कि तुम चिंता मत करो, हम एक ऐसा रूल बनाते हैं कि हम दौड़ेंगे नहीं लेकिन हम चलेंगे।
यस इट विल बी फन, रैबिट ने कहा कि चलो ये हम करते हैं, इसमें तो मजा आएगा। ये देखो ये स्टोन का ब्रिज है, इसमें इन तीनों को चलना है। दे स्टार्टेड द गेम, उन लोगों ने गेम को स्टार्ट किया। सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट वन, लेकिन एंड में क्या हुआ, तो जो एलिफेंट था वो तो जीत गया। कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वन, क्या आप बता सकते हैं कि एलिफेंट क्यों जीत गया। वो टेक्स द बिगेस्ट स्टेप, किसने सबसे लंबा स्टेप लिया। एक्ट आउट दिस स्टोरी, आपको ये स्टोरी एक्ट करनी है। तो देखो बच्चों, एलिफेंट क्यों जीत गया, क्योंकि एलिफेंट उससे बड़ा था। आप अपने पापा या मम्मी के साथ चलते हो तो आप आपके पापा मम्मी के साथ धीरे धीरे ही चल सकते हो। आपके पापा और मम्मी के स्टेप आपसे बड़े होते हैं और आपके स्टेप छोटे होते हैं, तो आप उससे पीछे रह जाते हो। तो इसमें एलिफेंट बड़ा है, इसलिए एलिफेंट जीत गया। एक्टिविटी, आई सिट हियर, आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग। ये लड़का है, ये यहाँ पे बैठा है और उसे उसके फ्रेंड के पास जाना है, तो उसे ढूंढना है कि उसका दोस्त उससे कितने दूर स्टेप पे है। तो ये बच्चा है, ऐसे चलेगा, यहाँ पे वो पहले एक स्टेप लेगा, बाद में दूसरा स्टेप लेगा, इस तरह से वो अपने स्टेप को काउंट करेगा और अपने दोस्त के पास पहुंच जाएगा। मेक अ ग्रुप ऑफ थ्री और फोर फ्रेंड्स, आपको तीन चार दोस्तों के एक ग्रुप बनाना है। फाइंड आउट बाय ड्रॉइंग लाइंस व्हिच स्टेप इज द लॉन्गेस्ट, आपको स्टेप लेना है और ड्रॉ करनी है लाइंस, और आपको देखना है कि सबसे बड़ा स्टेप किसका है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास, आपके क्लासरूम में आपको डोर से विंडो तक का जो डिस्टेंस है वो आपको स्टेप से ढूंढना है। द ब्लैकबोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग, आप तो बेंच पे बैठे हुए होते हो, तो आपके बेंच से आपका ब्लैकबोर्ड का डिस्टेंस कितना है वो आपको ढूंढना है। हैंड एंड फिंगर्स, रजत वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ फ्यू थिंग्स यूजिंग हिज हैंड स्पैन, ये जो रजत है उसको कुछ चीजों की लेंथ को ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, लेकिन किस से, हैंड स्पैन से। तो हमने देखा था कि हम हैंड स्पैन किसको बोल सकते हैं, मेरा हाथ तो बड़ा है लेकिन आप अपने हाथों से भी देख सकते हो, इसको हम हैंड स्पैन बोलेंगे। तो ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, अपने हाथों से इस बेट की लेंथ को फाइंड आउट कर रहा है। तो आपको भी कोई भी ऐसा बेट लेना है और ऐसे हैंड स्पैन की हेल्प से आप भी इसकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। कैन ही यूज अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्या ये जो रजत है वो अपने हैंड स्पैन से ये सब चीजों को लेंथ को फाइंड आउट कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मैथ स्टिक तो बहुत छोटी होती है, तो ये क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये जो शार्पनर है वो भी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा होता है, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। फिर ये इरेजर है, तो इरेजर को भी हम नहीं कर सकते हैं। ये टेबल है, तो टेबल को हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे तो छोटा टेबल है, लेकिन हम टेबल को ऐसे हैंड स्पैन के हेल्प से हम ढूंढ सकते हैं उसकी लेंथ को। विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पैन, नेम देम, हमें यहाँ पे जो चीज हमें यहाँ पे अराउंड दी गई है उसमें हमें देखना है कि किसकी हम हैंड स्पैन की हेल्प से नहीं उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैथ स्टिक है, फिर ये शार्पनर है और ये इरेजर है, तो हमें उसका नेम यहाँ पे लिखना है। वॉट वुड यू यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स, तो हम इसकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम हमारे फिंगर्स की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि ये बुक है, तो यहाँ पे आप ऐसे अपनी फिंगर रख के भी
इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। ये मेट स्टिक है तो यहाँ पे आप ऐसी अपना फिंगर रख के इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हम ये एक्टिविटी को देखते हैं। एक्टिविटी, मेक अ मड हाउस। सी वुज मड हाउस इज हायर। यहाँ पे दो बच्चे हैं और वो क्या बना रहे हैं? मड हाउस बना रहे हैं। यू कैन यूज योर फिंगर्स टू फाइंड हाउ हाई योर मड हाउस इज। यहाँ पे हमें हमारे फिंगर की हेल्प से हम ऐसे भी ऑब्जेक्ट को हम उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं और इसे भी हम फिंगर की हेल्प से कर सकते हैं। वो मेड द हाईएस्ट मड हाउस। तो हमें ऐसे फिंगर की हेल्प से इसकी जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है कि किसका मड हाउस सबसे ऊंचा है। वुज मड हाउस इज द सो स्मॉलेस्ट, यानी कि किसका मड हाउस छोटा है। ये आप एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। मेक अ गेस। सी दिस टू कोकोनट ट्रीज, इफ द बिगर ट्री इज 6 meters हाई, अबाउट हाउ हाई इज द स्मॉलर ट्री। देखो हमें यहाँ पे दो कोकोनट ट्री दिए गया है तो उसमें ये जो बड़ा वाला कोकोनट ट्री है वो कितने मीटर्स का है? 6 meters का। और ये जो छोटा है उसे हमें कितने मीटर का है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो है वो 6 का है और ये उसके आधे का है तो ये कितना हो जाएगा? 3 meters का ये कोकोनट ट्री हो जाएगा। तो समझ में आया बच्चों? ऐसे हम हैंड स्पैन कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे फिंगर की हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को माप सकते हैं और ऐसे फिंगर की मदद से भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लेंथ उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं।